हेलो गाइस, आज हम एनालाइज कर रहे हैं मिचेल स्टार्क्स बॉलिंग एक्शन। मिचेल स्टार्क वर्ल्ड के वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर हैं। उनका एक्शन उन्हें कैसे हेल्प करता है 160 किलोमीटर पर आवर तक की बॉल डालने में, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्क एक डिसेंट दूरी से अपना रनअप स्टार्ट करते हैं। स्टार्क 3 से 4 स्टेप्स लेके अपने रनअप की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और क्रीज में पहुंचने तक स्टार्क अपनी टॉप स्पीड पर होते हैं। मिचेल स्टार्क की बॉलिंग स्पीड का काफ़ी हिस्सा उनके क्विक रनअप की वजह से आता है। हालांकि स्टार्क को भागते देख कर नहीं लगता है कि स्टार्क इतनी तेज़ी से भागा करते होंगे। यही उनकी खूबी है कि वह इतना स्मूथ और एफर्टलेस भागते हैं कि लगता ही नहीं कि स्टार्क को तेज भागने में कोई एफर्ट लगाना पड़ता होगा। और ये इस वजह से भी स्टार्क और बॉलर्स के मुकाबले काफ़ी लंबे चौड़े हैं, जिसकी वजह से उनके रनिंग स्टेप्स काफ़ी लंबे होते हैं और वे कम स्टेप्स में ही ज़्यादा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। स्टार्क अपने रनअप में अपने दोनों आर्म्स को बराबर मूव करते हैं। ज़्यादातर बॉलर्स के साथ होता है कि उनकी एक आर्म की ज़्यादा मूवमेंट होती है और जिसकी वजह से रनअप के बैलेंस में कमी आती है, लेकिन स्टार्क के साथ ऐसा नहीं है। अपने रनअप में पूरे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के साथ भागते हैं। स्टार्क का जंप वाला पांव होता है, देखिए वो बॉडी के कितने करीब है। जंप लेते टाइम बॉलर का पांव उसकी बॉडी के पास ही होना चाहिए। अगर पांव बॉडी के आगे गिरता है तो इससे बॉलर जंप में स्लो हो जाता है, जंप भी हाई हो जाती है और फिर सारी बॉलिंग चेन बिगड़ जाती है। स्टार्क ने पहले से अपना लोडअप बदला है। स्टार्क पहले अपने लोडअप में हाई लोड किया करते थे और अब उन्होंने अपना लोडअप लो कर लिया है। हमने आपको एक पहली वीडियो में बताया था कि स्टार्क ने अपना लोडअप क्यों बदला। इसके पीछे जो मेन कारण है, स्टार्क अपनी लाइन एंड लेंथ में इनकंसिस्टेंट थे। वे एक जगह पर बैट्समैन को ज़्यादा देर तक खिला नहीं पाते थे। ये दिक्कत उनको सिर्फ टेस्ट मैच में ही आती थी। स्टार्क राइट हैंड बैट्समैन को कुछ ज़्यादा ही वाइड बॉल किया करते थे और जब वे इसे एडजस्ट करने जाते तो बॉल डाउन द लेग साइड चली जाती। अपनी लाइन एंड लेंथ पर कंट्रोल पाने के लिए स्टार्क ने अपना लोडअप बदला। स्टार्क एक फ्रंट ऑन बॉलर हैं, यानी जब उनका बैक फुट क्रीज में लैंड होता है तो सीधा बैट्समैन की तरफ होता है। उसका मतलब उन्हें कोई प्री टर्न की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका बैक फुट पहले से ही सीधा पड़ता है। स्टार्क बैक फुट से काफ़ी तेज है। उनका बैक फुट पर जो टाइम स्पेंड है वो बहुत ही कम रहता है। क्विक बैक फुट से बॉलर के रनअप का मोमेंटम पूरी तरह से बॉल स्पीड में ट्रांसफ़र हो पाता है। स्टार्क के बैक फुट इतना क्विक है कि उनकी हील भी ग्राउंड पर टच नहीं होती। बैक फुट से फ्रंट फुट पर जाते वक्त अगर आप ध्यान से देखें तो स्टार्क की एक स्टार पोजीशन ही बन गई। स्टार पोजीशन से बॉडी के सेंटर ऑफ मास प्रॉपर रहता है, यानी फ्रंट फुट पर जाने पर बॉलर की अपर बॉडी ना ज़्यादा आगे है और ना ही ज़्यादा पीछे, बिल्कुल बीच में ही रहती है और इससे बॉलर मैक्सिमम एफर्ट लगा पाते हैं। मिचेल स्टार्क अपनी आर्म स्पीड से बॉल तेज डालते हैं। उनकी आर्म स्पीड काफ़ी तेज है। तेज आर्म स्पीड वाले बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ जज करना काफ़ी मुश्किल होता है। रिलीज टाइम पर स्टार्क का फ्रंट फुट ब्लॉक होता है, लेकिन कभी कभी स्टार्क का फ्रंट फुट पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हो पाता। ब्लॉक फ्रंट फुट तेज बॉल डालने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब यहाँ से स्टार्क अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट कर पाते हैं। फॉलो थ्रू में मिचेल स्टार्क लगभग बैट्समैन तक पहुँच जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।